हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए ये नींबू का अचार बनाना आपको बताऊंगी। ये कैसे बनाना है। पहले मैंने आपको गुड़ का खट्टा मीठा अचार बनाया है। अब नींबू का अचार मैं सिंपल बनाऊंगी बिना गुड़ का। इसमें मैं सौंफ डालूंगी, एक चम्मच सौंफ डालूंगी और अजवाइन डालूंगी, थोड़ी साबुत डालूंगी और थोड़ी पिसी हुई अजवाइन डालूंगी, और इसमें ये काली मिर्च डालूंगी और ये हींग डालूंगी। 2 किलो नींबू है तो 1-2 किलो में मैं ये 2 चम्मच के करीब हींग डालूंगी, और ये सौंठ 1 चुटकी भर इसमें सौंठ डालूंगी। और सौंठ पहले मैंने नमक डाल चुकी हूँ, इसमें धो के काट के इसको मैंने 2 दिन तक नमक में रखा, धूप में नमक डाल के रखा 2 दिन तक। अब उसके बाद मैं अचार बना रही हूँ, और इसमें और थोड़ा वाइट नमक डालूँगी और थोड़ा सा ये काला नमक डालूँगी। पहले मैं नमक डाल चुकी हूँ तो इसके अब थोड़ा थोड़ा नमक डालूँगी, और काली मिर्च, पिसी हुई अजवाइन, साबुत अजवाइन और सौंफ और हींग। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या डालना है। पहले मैं काली मिर्च डालूंगी इसमें 4 चम्मच काली मिर्च डालूंगी, क्योंकि ये 2 किलो मैंने आंवले वो करे हैं, 2 किलो आंवले में मैं इतना डालूंगी, और 2 चम्मच इसमें सौंफ पाउडर डालूंगी, और ये साउथ अजवाइन डालूंगी 2 चम्मच साउथ अजवाइन डालूंगी, और इसमें ये पिसी हुई अजवाइन डालूंगी थोड़ी, इसको मैंने भून के रखा हुआ था, पिसी हुई अजवाइन डालूंगी। ये 4 चम्मच के करीब मैंने पिसी हुई अजवाइन डाल दी, और इसमें मैं 1 चम्मच काला नमक डालूंगी। और हींग 2 किलो है तो इसमें 1 चम्मच भर के पूरा 1 चम्मच भर के पूरा हींग डालूँगी। हींग से इसका स्वाद अच्छा आता है। और इसमें वाइट नमक मैंने डाला हुआ तो थोड़ा 2 चम्मच और इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच, और फिर इसको मिलाऊंगी। और फिर मैं इसको ये नमक ये मसाले डाल के धूप में रखने से ये 1 हफ्ते में अचार खाने लायक तैयार हो जाएगा। पर कम से कम इसको बनने में 15 दिन लग जाते हैं, पर वैसे धूप में रोड डेली रखना है इसको, किसी शीशे के जार में डाल के। पहले तो 2-3 इसको आप खुले मसाला मिला के खुले उसमें डालें, खुले बर्तन में डाल दें तो इसको खूब अच्छे से धूप लगेगी। तो 3-4 दिन अगर आप ऐसे इसको धूप लगाएंगे तो आपको इसको जार को ढकने की ज़रूरत नहीं होती, वो काफ़ी अच्छी धूप लग जाए इसको 1 हफ्ते कम से कम, तो बहुत अच्छा अचार बन जाता है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि हींग वगैरह डाली है इसमें, अजवाइन डाली है और साबुत अजवाइन डाली और थोड़ी पीसी हुई अजवाइन,
अजवाइन डाली, हींग डाली है, सौंफ डाली है, इसको मैं अब मिला रही हूँ। इसको अच्छे से मिलाना, ताकि इसमें पूरा मसाला अच्छे से चला जाए। ये वाला हींग वाला मसाला, और इसमें मैं थोड़ा सा वो डालूंगी कलर के लिए देगी मिर्च। दोस्तों मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है, इसको कलर अच्छा करने के लिए। देगी मिर्च डाली है, इसमें मिर्च नहीं होती, इसमें खाली मिर्च का छिलका होता है, तो ये इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। और इसका जो कलर है, इसको चेंज करने कलर इसका अच्छा हो जाएगा। मैं इसमें हल्दी वाला नहीं डालती हूँ, ये दूसरे तरह का अचार बना दूँ। हल्दी वाला अचार अलग होता है, हल्दी मिर्च वाला। ये मैं काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ और थोड़ी सी सौंठ, चुटकी भर सौंठ, इसमें चुटकी भर सौंठ डालूँगी मैं, चुटकी भर सौंठ सॉल्ट। इसके खुशबू के लिए मैंने अच्छे से इसको मिला दिया। पूरा इसमें मसाला मिल चुका है, दिखने में कितना बहुत सुंदर लग रहा है। इसको आप एक हफ्ते खुले खुला किसी बर्तन में धूप में रखें तो ये अचार एकदम अच्छा हो जाएगा, और फिर आपको धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और इसको ज़रूर बनाइए नींबू को। और मेरे नानी दादी चैनल को आप लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।